एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हुई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 के स्तर पर पहुंच गया है। बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा है दिल्ली का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हवा जहरीली होती जा रही है। दिवाली के बाद से दिल्ली की हवा दमघोटू हो चुकी है। दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी और पराली के धुएं से हालात बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 यानी बेहद खराब श्रेणी में है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 यानी गंभीर श्रेणी में है। करीब 10 माह बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इससे पहले 2 जनवरी को ये 404 था। फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा की हवा गंभीर जबकि अन्य जगहों पर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली, जहां AQI 354 वेरी पुअर कैटेगरी में चला गया है। दिवाली के बाद से ही ये कयास थे कि दिल्ली की हवा अब दमघोटू हो सकती है। ऐसे में जो आंकड़े आ रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, वो बेहद ही खराब है। दिल्ली की हवा इस तरफ इशारा करते हुए 354 वेरी पुअर कैटेगरी यहां दर्ज की गई है। नोएडा में भी कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में यानी कि दिल्ली एनसीआर में हवा अब फिर से जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब श्रेणी में चली गई है, जहां कई जगहों पर 400 पार दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको बता दें कि ऐसे कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। यही वजह थी कि दिल्ली में पटाखों पर बैन था। बैन के बावजूद यहां जमकर पटाखे फोड़े गए और ऐसे में अब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से खराब होते हुए पराली का धुआं भी इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा खराब करने में शामिल है। देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली में देश के राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री रहते हैं, देश के तमाम दिग्गज नेता रहते हैं, दुनिया के कई देशों के राजदूत रहते हैं, बड़े उद्योगपति रहते हैं, देश के बड़े अधिकारी रहते हैं, लिस्ट लंबी है। दिल्ली में खास लोग रहते हैं, इनमें वो लोग शामिल हैं जिनके ऊपर देश चलाने का जिम्मा है। दिल्ली में आम लोग भी रहते हैं, करीब 2 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। 2 करोड़ लोगों के लिए जाड़े की शुरुआत के दिन किसी सजा से कम नहीं है। गैस चैम्बर में बदल जाती है दिल्ली, प्रदूषण चरम पर होता है। ये एक बार की बात नहीं है, बल्कि हर साल जाड़े के मौसम के शुरुआती दिन काटना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली वालों के लिए ये किसी सजा से कम नहीं है। अगर किसी को दमा जैसी सांसों से जुड़ी कोई बीमारी है, तब तो जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इन दिनों की आम समस्या है आंखों में जलन होना, सांसों में चुभन का एहसास होना, नाक में इचिंग रहती है, इसके साथ ही गले में खराश, नाक बहना, सीने में जकड़न जैसी शिकायतें रहती है। डॉक्टर के पास ऐसी शिकायतों के ढेर लग जाते हैं। पॉल्यूशन से ये तमाम समस्याएं होती है। तो ये है दिल्ली का हाल, ये देश की राजधानी का हाल है। ये हाल तब है जब यहाँ केंद्र सरकार का पूरा महकमा रहता है। ये हाल तब है जब दिल्ली की अलग से सरकार है, CM है, पूरा मंत्रिमंडल है, पर्यावरण मंत्रालय भी है, जिनके कंधों पर दिल्ली वालों की बेहतरी का जिम्मा है। बावजूद इसके दिल्ली में सांसों पर संकट है, जिंदगी पर स्मॉग हावी है। स्मॉग टर्म स्मॉग और फॉग से मिलकर बना है। दिल्ली में पराली का धुआं और जाड़े में होने वाला कुहासा कहर बना हुआ है। दिल्ली के ऐसे हालात के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार पराली का धुआं है, जो कुहासे के साथ मिलकर दिल्ली वालों की मुसीबत बना हुआ है। इसके साथ ही गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कंस्ट्रक्शन की वजह से पैदा हुई धूल, इस मौसम में दिल्ली का दम घोटने लग जाती है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक रविवार को पंजाब में पराली जलाने की 1761 घटनाएं हुई, शनिवार को 1898 और शुक्रवार को 2067 घटनाएं हुई थी। पंजाब के अलावा रविवार को हरियाणा में 112, उत्तर प्रदेश में 43 मामले सामने आए। रविवार को दिल्ली के PM 2.5 में पराली जलाने की हिस्सेदारी 26% हो गई, जो साल अब तक सबसे ज्यादा है।
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कह चुका है, पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। एक रवायत सी बन गई है, हर साल दिवाली पर जबरदस्त सियासी घमासान होता है। दिवाली को सबसे बड़ी वजह बनाकर पेश किया जाता है, जबकि इस बार दिवाली के बाद प्रदूषण का लेवल नहीं बिगड़ा। इसकी वजह हवा के रुख में बदलाव रहा, जिसकी वजह से पंजाब से पराली का धुआं दिल्ली तक नहीं पहुंचा। इस बार बिल्कुल साफ हो गया, दिवाली नहीं पराली है सबसे बड़ी समस्या। बावजूद इसके पराली के धुएं की समस्या को खत्म करने के लिए ना तो दिल्ली सरकार के पास कोई रोड मैप है, ना केंद्र सरकार के पास कोई प्लान है, बस सियासत है कि चलती रहती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सियासी तकरार और बढ़ गई है। दिल्ली को राहत कब मिलेगी, दिल्ली वालों को प्रदूषण से कब मुक्ति मिलेगी, किसी को नहीं पता। केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार, किसी की भी तरफ से कोई गंभीर प्रयास नजर नहीं आता। आज का अपडेट भी यही है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली और नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से हालात गंभीर हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया है। प्रदूषण का स्तर द्वारका में 408 तक पहुंच गया है। वहीं प्रदूषण आनंद विहार की अगर बात करते हैं तो 423 है ये AQI, अलीपुर में 430, बवाना में 441, वहीं जहांगीरपुरी में 450 AQI दर्ज किया गया है। बड़े तो भैया ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है, ऑक्सीजन में दिक्कत हो रहा है, यही। दिल्ली में पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, सांस लेने में दिक्कत आती है। दिल्ली में पोल्यूशन तो हर साल वैसे तो हमेशा ही रहता है, लेकिन जैसे दिवाली आती है, दिवाली के बाद जो पोल्यूशन है उसका जो